राजा नहीं जानता था, मगर उसका वाक्य उनको ब्रह्म वाक्य नजर आता था। तो एक ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस दीनदयाल जी ने दिया और वो पूर्णतः भारतीय विचार से प्रेरित था। और वो ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस क्या था कि पूरी दुनिया में अभी हम इसमें सिर्फ फिलोसफिकल स्पिरिचुअल पे नहीं, प्योरली इकोनॉमिकल पे रहते हैं। पूरी दुनिया में दो थॉट प्रोसेस थे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। आप लोगों लगता है दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, नहीं साहब, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से समान है। एक पॉइंट को छोड़, अगर पहले पूछा जाए, दोनों ये मानते हैं कि वर्ल्ड में सब कुछ मेटीरियल से ही सुख मिलने वाला है, इसमें कैपिटलिज्म भी ओके है, कम्युनिज्म भी ओके है। दूसरा, वो ये मानते हैं मैक्सिमम मेटीरियल और पूंजी यदि हमारे पास होगी तो हमारे पास मैक्सिमम सुख होगा, ये कैपिटलिज्म भी मानता है, कंज्यूमरिज्म भी मानता है। इसके बाद वो ये मानता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ में केवल इकोनॉमिक जो संसाधन है और पूंजी, इसका विस्तार होना चाहिए, इसमें मानवीय भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है। इस पे दोनों कॉमन है। चौथा पॉइंट पे दोनों कॉमन है कि वो ये मानते हैं कि जो आपका कल्चर है, जो आपकी संस्कृति है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधक है, इसलिए आपको उसको ओवरकम करके ही आना पड़ेगा। जैसे आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मैक्स वेबर नाम के थिंकर हुए, जिन्होंने सबसे पहली बात कल्चर को इकोनॉमी से कनेक्ट किया। 100 साल पहले उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंट सोसाइटीज हैं वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही हैं एज कम्पेयर टू रोमन कैथोलिक, क्योंकि प्रोटेस्टेंट इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा स्ट्रांग रहता। और ये बात सही है, अमेरिका प्रोटेस्टेंट था, ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट था, ऑस्ट्रेलिया प्रोटेस्टेंट था, तेजी से ग्रो कर रहे थे एज कम्पेयर टू ग्रीस और जो अलग ऐसे जो रोमन कैथोलिक कंट्रीज थे वो उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे थे। स्पेन था या फिलीपींस था, ये नहीं ग्रो कर रहे थे। और आगे उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात लिखी, क्योंकि 1920 में तो पूरा चाइना बुद्धिस्ट था ना, उन्होंने कहा दो देश ऐसे हैं जो दुनिया में हमेशा बोझ रहेंगे, ये कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा इंडिया और चाइना, क्योंकि वो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं, जो कर्म पे विश्वास करते हैं, जो इंडिविजुअलिज्म को महत्व नहीं देते हैं, परिवार और समाज को महत्व देते हैं, और ये तो किसी दूसरी सत्ता में विश्वास करते हैं, इसलिए आप कंबल करते हुए नजर आए। इसलिए मैंने ये कहा, और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, ये मैंने इसको वायरस वर्ल्ड क्यों कहा। 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में मार्क्स ने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने लिखा कि जो कुछ उन्होंने भारत के बारे में लिखा कि हिंदू जाति चाहे कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो बंदर हनुमान, नंदी बैल, हाथी गणेश को पूछते हैं वो इसी लायक है कि उन पर हुकूमत की जाए, दे आर सेमी बारबेरिक। और आगे उन्होंने क्या कहा, द डिस्ट्रक्शन विच ब्रिटिशर्स आर डूइंग इज पेनफुल बट प्रेजरेबल ऑल्सो, क्योंकि ये जरूरी है कि डिस्ट्रॉय करें। और आप जाके चेक करिएगा 1951 के यूनाइटेड नेशंस के बाकायदा जो रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है, ऑल ओल्ड थॉट्स एंड फिलोसफीज आर टू बी डिस्ट्रॉयड, इफ सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर दैट तो कुछ नहीं हो सकता। और टिल 1991 यूएन के किसी भी साइट में डाइवर्सिटी वर्ड ही नहीं था, पहली बार बायोडाइवर्सिटी वर्ड उन्होंने 91 में यूज किया, ये थॉट था। अब आप आइए, दोनों में झगड़ा किस बात का है, केवल मालिकाना हक का झगड़ा है, यानी दोनों परिपूर्ण भौतिकवादी हैं और प्रकृति के साथ पूरा दोहन का सिद्धांत रखते हैं। बस कम्युनिज्म कहता है मालिकाना हक सरकार पे होना चाहिए और कैपिटलिज्म कहता है कि कैपिटलिस्ट के पास होना चाहिए, पर्सन पे होना चाहिए, केवल टाइटल सूट का झगड़ा है, बाकी दोनों बराबर है। ये बात दीनदयाल जी ने अच्छी तरह समझी और उन्होंने कहा ऑल्टरनेटिव मॉडल एकदम अलग होना चाहिए, जिसकी फंडामेंटल सोच ही अलग। और वो फंडामेंटल सोच क्या अलग होगी, जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम उनका जो हाईएस्ट यू कैन से द आइडियल सिचुएशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, कि जो आदमी जितनी मेहनत करे उसको उतने फ्रूट्स एंजॉय करने का मौका मिले, यानी जो कमाएगा वो खाएगा। बस यहां पर तो दोनों कॉमन है ना, कि भाई काम करो और जिंदगी एंजॉय करो, और भगवान से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहां कहा गया नहीं, उन्होंने ये विचार दिया कि भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती जो कमाएगा वो, भारतीय संस्कृति कहती जो आया है सो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। आइडियलिस्टिक सिचुएशन ऐसा होता कहां है। अब दीनदयाल जी ने जो अपना थॉट प्रोसेस दिया उसके उन्होंने चार पार्ट्स दिए, एक है व्यष्टि यानी पर्सन, देन कम समष्टि यानी समाज, देन कम सृष्टि, सृष्टि को आप समझते हैं नेचर, देन कम परमेष्टि यानी परमेश्वर। अब ये चारों का जो कनेक्शन है वेस्ट के थॉट प्रोसेस में कंपार्टमेंटल है, उनका थॉट प्रोसेस कहता है मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा सोसाइटी से क्या लेना देना, मुझे अपने लिए खुशी चाहिए।
तो सृष्टि व्यष्टि और समष्टि में कोई कनेक्शन नहीं। समष्टि जो है वो कहती मुझे तो जबरदस्त चाहे हमने जंगल काट के शहर शहर बना दिए, पहाड़ काट के सड़कें बना दी, नदी के ऊपर डैम बना दिए, सृष्टि से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ समष्टि से मतलब है। कंपार्टमेंटल दीनदयाल जी ने कहा सब आपस में इंटरलिंक्ड है और हमारे यहां परिवार की पहली समाज की पहली टाइप परिवार माना गया व्यक्ति नहीं। और परिवार में आप देखिए आज भी भारतीय परिवारों में व्यवस्था बची हुई है, एक व्यक्ति कमाता है और सबके पोषण क्षेत्र की चिंता करता है। व्यस्त में स्थिति यह है परिवारों की कि भाई बहन तो छोड़िए, मां बाप को चिंता नहीं कि बेटा बेटी कमा रहा नहीं कमा रहा, अपना काम करो, जाके जो करना है सब करो। यहां पर स्थिति यह है कि मैं नहीं कमा रहा हूं, मेरे मां बाप तो कमा रहे हैं, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे बड़े भाई तो कमा रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए, लता मंगेशकर का नाम आप सबने सुना ही होगा, पूरी जिंदगी उन्होंने शादी क्यों नहीं की, अर्ली एज में फादर की डेथ हो गई थी, तो अपने भाई बहनों का ध्यान रखना था और इसलिए उन्होंने सिंगिंग शुरू की, जबकि उनके पिताजी प्रोफेशनल सिंगिंग यानी कमर्शियल उसके यूज के खिलाफ थे, पर चूंकि परिवार का पालन पोषण करना था कमर्शियल सिंगिंग की, उन्होंने सोचा कि जब तक भाई बहन सेटल नहीं हो जाएंगे तब तक शादी की निकल गई। आप सोचिए यह विचार आपको वेस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए जो उन्होंने कहा वो सत्य था। अब जब हम समष्टि से सृष्टि की तरफ आते हैं तो वेस्ट का थॉट प्रोसेस क्या कहता है, वो ये कहता है अरिस्टोटल की बुक नेचर पढ़िए तो कहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जब फ्रांसिस बेकन रेने डिकार्ट कहते हैं मैन शुड बिकम द पल्सर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, और उसके आगे जाके वो कहते हैं मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर। और ये सबड्यू वर्ड जो अंग्रेजी में है ना जिसका अर्थ होता दबाना, ये फंडामेंटली इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये फंडामेंटली हिब्रू का शब्द है और जिसका मतलब होता भाले की नोक से दबाना, सबड्यू वर्ड। तो उनकी थॉट प्रोसेस ये थी और उस थॉट प्रोसेस से वो पहुंचे कहां, इकोलॉजिकल इंबैलेंस 1992 का रियो डी जेनेरो, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, 2009 का कोपेनहेगन, 2016 का पेरिस और अब COP20, COP22 ग्लासगो का। अब परेशान है कि प्रकृति तो गड़बड़ होती चली जा रही है, अब क्या करें। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जाके चेक करिए जो फर्स्ट अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरो में हुई थी उसमें उन्होंने जो चार्टर बनाया है पॉइंट, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में जितने पॉइंट्स लिखे हैं प्रकृति के संरक्षण के लिए होने चाहिए थे उनसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी जो उन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरो में फाइंड आउट किया उससे प्लस है कुछ पॉइंट, क्योंकि हमारी सोच तो प्रकृति के बारे में थी। हम तो कहते थे माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, ये धरती माँ है और मैं उसका पुत्र हूं, मेरे लिए प्रकृति भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गाय भी माता है, धरती भी माता है, भारत भी माता है। और माता के साथ व्यक्ति माता का पोषण करने का सोच ही नहीं सकता।